बोझ उठाना शौक कहाँ है, मजबूरी का सौदा है। रहते रहते स्टेशन पर लोग कुली हो जाते हैं। खून मजदूर का मिलता जो न तामीरों में, ना हवेली ना महल और ना कोई घर होता। कुचल कुचल के ना फुटपाथ को चलो इतना, यहाँ पे रात को मजबूर ख्वाब देखते हैं। शायरी पढ़ना मेरे लिए बड़ा कठिन सा होता है। ज़िंदगी में सबसे कठिन काम गायन को ही मैं मानता हूँ। खैर, जो ऊपर मैंने लाइनें पढ़ी ये मजदूर भाइयों के लिए समर्पित हैं। मुनव्वर साहब राणा जी और अहमद सलमान जी की लाइनों को बोलने की मैंने थोड़ी सी कोशिश की, हालांकि लाइनें मैंने घटिया तरीके से पढ़ी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस विश्व का एक प्रचलित उत्सव दिवस बताया जाता है। यह दिवस उन श्रमिक वर्ग को समर्पित है जो अपना खून पसीना बहाकर अथक परिश्रम करके विश्व के विभिन्न हिस्सों में दिन रात काम करके उस देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। दुनिया में 132 साल और भारत में 95 बरस का सफ़र मजदूरों ने तय किया। आज के भारत में काम के 8 घंटे मानक के तौर पर निर्धारित हैं, लेकिन यह 8 घंटे यूं ही नहीं मिल गए थे। वर्ष 1886 में शिकागो में श्रमिकों को बाकायदा प्रदर्शन करना पड़ा था। उन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी। इसमें 7 श्रमिक मारे गए थे। इसके बाद अमेरिकी सरकार झुकी और काम के 8 घंटे तय कर दिए गए। तब से सारे संसार में 8 घंटे काम के चले आ रहे हैं, इनमें लंच टाइम भी शामिल है। भारत में 1 मई को श्रमिक दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 1923 में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद श्रमिक मजदूर के काम की स्थितियाँ सम्मानजनक बनाने की बहस छिड़ती गई। देखिए तो 100 साल पहले 8 घंटों के लिए एक बड़ा आंदोलन था। आज कोई भी 10-12 घंटे से कम काम नहीं करता। इसके बाद घर आने जाने का वक्त अलग से लगता है। 8 घंटे काम के बाद भी ना तो मैनेजमेंट को संतोष होता है, ना काम करने वालों को। सरकारी दफ्तर और बैंक तक अब 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। अलबत्ता पाली में काम करने वाले कारखानों में यह प्रथा चली आ रही है। सायरन या भोंपू बजने के साथ ये अतिरिक्त समय लोग कहाँ से निकाल पाते हैं? जाहिर है अपने परिवार और निजी आमोद प्रमोद के पलों में कटौती या चोरी करनी पड़ती होगी। ऐसे में निजी सुख भी दांव पर लग जाते हैं और पेशेवर ज़िंदगी भी मशीनी हो जाती है। अधिक कमाई वेतन या आकर्षक पैकेज भी उस कमी को पूरा नहीं कर पाते जो हम खो देते हैं। अब बात करते हैं कुछ खास। देश में आखिर क्यों मनरेगा मजदूरों को नहीं मिल पाती उचित मजदूरी? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा, यह वह कानून है जिसके अंतर्गत देश में सबसे अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। प्रत्येक वर्ष लगभग 8 करोड़ ग्रामीणों को इस कानून के अंतर्गत ग्रामीण विकास के कार्यों में रोजगार दिया जाता है। मनरेगा के तहत काम करने वाले लोगों के लिए दैनिक मजदूरी हर साल भारत सरकार द्वारा तय की जाती है ताकि महंगाई के साथ उनकी मजदूरी भी बढ़ सके। केंद्र की मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए मनरेगा की मजदूरी दर की घोषणा कर दी है। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आईं जिनमें यह बताने की कोशिश हुई कि मनरेगा में कार्यरत करोड़ों मजदूरों की मजदूरी दर में वृद्धि के लिए सरकार अपना पूरा जोर लगा रही है और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार ने चुनाव आयोग से विशेष अनुरोध कर मजदूरी में बढ़ोतरी की अनुमति मांगी है। असल में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरी दर में परिवर्तन की घोषणा किसी राजनीतिक जुमले से कम नहीं है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से मजदूरी में मामूली बढ़ोतरी या बढ़ोतरी नहीं होने के कारण देश भर में मनरेगा मजदूर बेहद हताश हैं। इस वर्ष भी औसत मजदूरी दर में महज 2.16% की बढ़ोतरी हुई है। कई राज्यों में मजदूरी दर 1 रुपये भी नहीं बढ़ी। पिछले कई वर्षों की तरह इस बार भी मजदूरों को सिर्फ निराशा हाथ लगी है और कठिन परिश्रम के बावजूद बेहद कम मजदूरी दर और साथ में मजदूरी भुगतान में भी देरी के कारण अब कई राज्यों में मजदूर इस काम से मुंह फेर रहे हैं। विडंबना यह भी है कि देश में दूसरे रोजगारों की उपलब्धता इतनी कम होती जा रही है कि ग्रामीणों को मजबूर होकर मनरेगा में काम करना पड़ रहा है। इस स्थिति में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मनरेगा में कार्यरत सैकड़ों ग्रामीण पूरी तरह से बंधुआ मजदूर बन गए हैं। उनके लिए ना तो एक सम्मानजनक मानदेय है और ना ही समय पर मजदूरी मिलने की कोई उम्मीद। आपको बता दें कि वर्ष 2014 में गठित प्रोफेसर महेंद्र देव की कमेटी ने सुझाव दिया था कि मनरेगा मजदूरी को राज्य की न्यूनतम मजदूरी से जोड़ा जाना चाहिए और यह सुझाव दिया था कि किसी राज्य की मनरेगा मजदूरी दर किसी भी हालात में राज्य की न्यूनतम मजदूरी दर से कम नहीं होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने इस सुझाव पर कुछ नहीं किया और बाद में नागेश सिंह के नेतृत्व में एक और कमेटी का गठन किया जिसने मनरेगा मजदूरी को राज्य की न्यूनतम मजदूरी से जोड़ने की पूर्व की सिफारिशों को खारिज कर दिया था। मनरेगा हर सामाजिक और आर्थिक वर्ग के ग्रामीण परिवारों को समान अवसर प्रदान करता है
और महिला और पुरुषों को समान मजदूरी पाने का अधिकार भी देती है। गरीबी और रोजगार से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए मनरेगा को मजबूत करने की आवश्यकता है। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में मनरेगा को अनदेखा कर देने का अर्थ यही है कि भाजपा सबका साथ सबका विकास का नारा तो लगा रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के सृजन और संसाधनों का विकास कर ग्रामीण परिवारों को आजीविका का अवसर प्रदान करना भाजपा की प्राथमिकता में नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि भाजपा सरकार आखिर किसका साथ दे रही है और किसका विकास कर रही है। मजदूर दिवस विश्व का एक प्रचलित उत्सव दिवस बताया जाता है। यह दिवस उन श्रमिक वर्ग को समर्पित है जो अपना खून पसीना बहाकर अथक परिश्रम करके विश्व के विभिन्न हिस्सों में दिन रात काम करके उस देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। आप देख रहे थे आज के मजदूरों को समर्पित एक विशेष रिपोर्ट। हम फिर से मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।